अब चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर थ्री की तरफ जिसमें हम लोग फाइंड करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन को डॉटर न्यूक्लियर को द एलिमेंट इज अनस्टेबल एंड डिकेज बाय बीटा एमिशन विद द हाफ लाइफ ऑफ 6.66 पॉइंट सिक्स स्टेट द न्यूक्लियर रिएक्शन एंड द डॉटर न्यूक्लियर फर्दर चलते हैं हमारे पास जो सोल्यूशन में हाफ लाइफ है स्टूडेंट्स टी वन बाय टू ये हमारे पास कितनी गिवन है एलिमेंट के लिए 6.66 पॉइंट सिक्स इसको कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में टी हाफ विल बी इक्वल टू सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स मल्टीप्लाई बाय सिक्सटी मल्टीप्लाई बाय सिक्सटी सो टी हाफ देन विल बी इक्वल टू ट्वेंटी थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड सेवेंटी सिक्स न्यूक्लियर रिएक्शन हम लोगों ने फाइंड करना है और सेकेंडली डॉटर न्यूक्लियर है कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स रिएक्शन के थ्रू हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे जो हमारे पास पेरेंट एलिमेंट और डॉटर एलिमेंट को कन्वर्ट करने का फार्मूला होता है रिएक्शन होता है स्टूडेंट्स वो होगा हमारे पास एक्स ए जेड अटामिक नंबर मैथ नंबर गिवस जेड प्लस ए वाई वन प्लस माइनस वन जीरो हमारे पास ई क्यों क्या है हमारे पास चार्ज एमिट होगा सो अगर हम लोग इसको अप्लाई करते हैं गिवन एलिमेंट के लिए तो हम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यूज को लिखेंगे टू थर्टी फोर नाइन्टी वन गिव्स द डॉटर एलिमेंट पेरेंट एलिमेंट गिव्स द डॉटर एलिमेंट टू थर्टी फोर यूरेनियम नाइन्टी टू प्लस माइनस वन जीरो हमारे पास जो चार्ज है वो भी एमिट होंगे सो so, स्टूडेंट्स हमारे पास रिएक्शन से बिफोर जो एलिमेंट है स्टूडेंट्स वो क्या कहलाता है पेरेंट एलिमेंट और जो हमारे पास रिएक्शन के बाद का एलिमेंट है वो कहलाता है डॉटर एलिमेंट सो हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर डॉटर एलिमेंट और पेरेंट एलिमेंट के बारे में पढ़ा थैंक यू